शिमला में नए मुख्य सचिव आरडी धीमान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी। आरडी धीमान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर एक वार्ता भी की है। राज्यपाल से भी आरडी धीमान ने मुलाकात की है। ये शिष्टाचार भेंट थी। ऐसे में प्रतिक्रिया भी सामने आई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, और जिस तरह से विपक्ष अब इसको भी एक मुद्दा बनाने लगा है, उस पर अब ये सोचकर चलिए राजनीति आगे भी जारी रह सकती है। चुनावी साल है, इस बीच एक और मुख्य सचिव को बदलना, कांग्रेस इसे जरूर भुनाने वाली है। इस मुद्दे को कांग्रेस सरकार के सामने हथियार के तौर पर जरूर इस्तेमाल करेगी। हम बात करें राजनीतिक हथियार की, और चुनावी साल है तो हर मुद्दा कांग्रेस के लिए बहुत अहम हो जाता है, और इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने जयराम सरकार को घेरने की रणनीति भी बना ली है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलाकात की आरडी धीमान से। आरडी धीमान खुद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद एक शिष्टाचार भेंट राज्यपाल से भी की गई। और इसके अलावा नए मुख्य सचिव आरडी धीमान ने अपना कार्यभार संभाल लिया था। मुख्य सचिव कार्यालय में राम सुभाग सिंह ने स्वागत उनका किया। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आरडी धीमान, और हिमाचली मूल के अधिकारी भी हैं धीमान। तो वैसे में आरडी धीमान की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, समय कम है इस सरकार के लिए भी, क्योंकि अब चुनावी मैदान में सरकार को उतरना, उससे पहले योजनाओं को कैसे लागू करना है और जो योजनाएं पहले से ही घोषित हैं उनको पूरा कैसे करना है, ये उनके लिए चुनौती जरूर होगी। और अभी से ही अपना काम बहुत तेज गति से आगे आरडी धीमान बढ़ाने वाले हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया। चैलेंजेस तो हर जॉब के साथ रहते हैं, और मैंने लगभग स्टेट में हर विभाग में काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर्तव्य सरकार ने मुझे असाइन किया मैं उसको अच्छी तरह से निभा पाऊँगा, श्रद्धा से अपना काम कर पाऊँगा, और जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं प्रोग्राम्स हैं उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने में मैं उनकी मॉनिटरिंग करूँगा, उनको रिव्यू करूँगा, एवेल्युएट करेंगे, और मुझे आशा आप सबका सहयोग।